नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 अक्टूबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार मौसम सेवा केंद्र सोसाइटी ने निकाली रिक्तियां। बिहार मौसम सेवा केंद्र सोसाइटी ने 43 साइंटिस्ट और अन्य टेक्निकल स्टाफ के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 नवंबर 2020 के पहले दिए गए फॉर्मेट में बिहार मौसम सेवा केंद्र सोसाइटी की वेबसाइट www.state.bihar.gov.in/planning पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 5 नवंबर तक जारी रहने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन है कि आखिरी तारीख खत्म होने से पहले आवेदन करें। आज बांका के पर्यटन स्थल में हम बात करेंगे बौंसी मेले की। बौंसी मेले की पहचान काफी प्राचीनतम है। 15 दिनों तक लगने वाले इस मेले में अंत तक लोगों की भीड़ जमी रहती है। मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले इस मेले की खासियत ये है कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से लोगों से जुड़ा हुआ है। यह मंदार मेला के नाम से भी जाना जाता है। पटना दिल्ली बस सेवा हुई बहाल। BSRTC की पटना दिल्ली बस सेवा बीते दिन से शुरू हो गई है। इसके लिए सोमवार शाम 5 बजे से ही टिकट की ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू हो गई थी। रेड बेस, पेटीएम, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा की शुरुआत हो गई है। मीठापुर और बांकीपुर बस स्टैंड पर काउंटर से भी टिकट सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मिल रही है। पटना से दिल्ली 2 बसें जाएंगी, जिनमें 1 सीटर जबकि दूसरी स्लीपर बस होगी। सीटर बस दोपहर 1 बजे रवाना होगी और इसकी क्षमता 50 यात्रियों की बताई जा रही है। वहीं इसका किराया लगभग 1650 रुपए तय किया गया है। वहीं स्लीपर बस 41 सीटर होगी, जो शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। गांव के बूथ पर सहायक सेविकाओं की होगी तैनाती। कोरोना को लेकर पहले ही गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंप दी गई थी। अब बूथ पर भी सेविका, सहायिका और आशा की तैनाती का निर्णय लिया गया है, ताकि थर्मल स्क्रीनिंग में उनका योगदान रहे। मिली जानकारी के अनुसार गांव की महिलाओं को थर्मल स्क्रीनिंग में परेशानी नहीं हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा गांव की महिलाओं के संपर्क में रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में चलने वाले केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी इन्हीं के माध्यम से गांव-गांव में पहुंचाई जाती है। ये सेविकाएं ग्रामीण महिलाओं के काफी ज्यादा करीब होती हैं, इतना कि ये सब एक दूसरे को काफी अच्छे से पहचानते भी हैं और यही वजह है कि थर्मल स्क्रीनिंग करने में इनका सहयोग लिया जा रहा है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2 लाख के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1837 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,06,961 पर पहुंच गई है। अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 59, अरवल में 5, औरंगाबाद में 28, बांका में 25, बेगूसराय में 38, भागलपुर में 37, भोजपुर में 53, बक्सर में 5, दरभंगा में 41, पूर्वी चंपारण में 44, गया में 64, गोपालगंज में 37, जमुई में 33, जहानाबाद में 31, कैमूर में 3, कटिहार में 52, खगड़िया में 14, किशनगंज में 28, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 52, मधुबनी में 57, मुंगेर में 45, मुजफ्फरपुर में 55, नालंदा में 98, नवादा में 28, पटना में 392, पूर्णिया में 35, रोहतास में 28, सहरसा में 66, समस्तीपुर में 20, सारण में 35, शेखपुरा में 46, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 114, सिवान में 31, सुपौल में 24, वैशाली में 22, पश्चिम चंपारण में 51। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,94,889 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,011 लोगों की जान जा चुकी है। IIT पटना के छात्र को मिला गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में शानदार ऑफर। कोरोना के माहौल में एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ IIT पटना के छात्रों का चयन जारी है। नए सत्र की शुरुआत हालांकि अभी नहीं हुई है, मगर बीटेक अंतिम वर्ष के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से शानदार पैकेज का ऑफर दिया जा रहा है। 10 कंपनियों ने ऑनलाइन सिलेक्शन प्रक्रिया के तहत संस्थान के कुल 38 छात्रों का चयन किया है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर किया है। संस्थान के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर जोस की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार वर्चुअल सिलेक्शन प्रक्रिया में कंपनियों को कम समय में और कम लागत में मेधावी छात्र मिल रहे हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्री कृष्ण सिन्हा की। श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1887 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। श्री कृष्ण सिन्हा को कई लोग श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अवधि को छोड़कर सिन्हा 1937 में दुनिया को अलविदा कहने तक पहले कांग्रेस मंत्रालय के समय से बिहार के मुख्यमंत्री थे। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ सिन्हा को मॉडर्न बिहार के आर्किटेक्ट में माना जाता था।
उन्होंने वैद्यनाथ धाम मंदिर में दलित प्रवेश का नेतृत्व किया, जिसने दलितों के उत्थान और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया था। जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने वाले वे देश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ब्रिटिश भारत में लगभग 8 साल तक कारावास की विभिन्न शर्तों को पूरा किया। सिन्हा की जनसभाओं को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। भोजपुरी फिल्मों के लिए भी अब बनाया जाएगा सेंसर बोर्ड। भोजपुरी फिल्मों के लिए भी अब सेंसर बोर्ड का निर्माण करवाया जाएगा। सांसद रवि किशन ने इस बात की जानकारी दी है। बीते दिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों और गानों को लेकर अहम बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भोजपुरी गानों में जारी किए जा रहे सीन को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है और इसी को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र जारी किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात भी कही है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे गाने लिखने और गाने वालों पर भी सख्ती से पेश आने की बात कही। हबीबगंज से रीवा अगरतला और पटना के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। हबीबगंज से रीवा अगरतला और पटना के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करवाया जाना है। हबीबगंज अगरतला स्पेशल एक्सप्रेस 28 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलाई जाएगी। इसके साथ ही अगरतला हबीबगंज स्पेशल एक्सप्रेस 31 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी। हबीबगंज पटना स्पेशल एक्सप्रेस 11 से 23 नवंबर तक और पटना हबीबगंज स्पेशल एक्सप्रेस 12 से 24 नवंबर तक चलाई जाएगी। वर्तमान समय में हबीबगंज से रीवा के बीच एक ट्रेन नियमित रूप से चलाई जा रही है, दूसरी ट्रेन दिवाली के दौरान चलाई जाएगी। राजधानी पटना की 14 में से 11 विधानसभा सीटों पर लगाई जाएंगी 2 ईवीएम मशीनें। बिहार की राजधानी पटना के विधानसभा क्षेत्रों से सीट से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 में 2-2 ईवीएम की मांग अब उठने लगी है, क्योंकि इन 14 सीटों पर कुल मिलाकर 255 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा फुलवारी शरीफ विधानसभा में 26 और पालीगंज में 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रथम चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होना है। इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र मोकामा, बाढ़, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम में मतदान होने हैं। रांची पटना स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जल्द होगा शुरू। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने रांची पटना स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार ने रांची पटना और रांची जयनगर के बीच एक ही ट्रेन चलाने की इजाजत दी है, इसलिए इस रूट पर सिर्फ एक ट्रेन का परिचालन ही करवाया जाएगा। रेलवे द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 18 नवंबर को ट्रेन संख्या 02849 रांची पटना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। यह ट्रेन रात 11:45 पर रांची से प्रस्थान और गोमो डरमा गया होते हुए सुबह 8 बजे पटना स्टेशन पर पहुंचेगी। वहीं 19 नवंबर को ट्रेन संख्या 02850 पटना रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। देश भर में जल्द ही खुलेंगे केंद्रीय और नवोदय विद्यालय। देश में जारी कोरोना के माहौल के बीच सभी कार्यों को भले ही सरकार ने धीरे धीरे खोल दिया हो, मगर स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान अब तक सही ढंग से नहीं खुल पाए हैं। मगर अब सभी केंद्रीय और नवोदय विद्यालय को खोलने की तैयारी की जा रही है। 2 नवम्बर से इन सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आने की इजाजत दी गई है। इस दौरान जो भी स्कूल आएंगे उन्हें सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। सभी छात्रों को पानी के बोतल के साथ साथ सैनिटाइजर लाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देश भर में तकरीबन 1250 केंद्रीय विद्यालय और 650 नवोदय विद्यालय हैं। प्रत्याशियों के बेमानी संपत्ति की हो सकती है जांच। चुनाव आयोग के विशेष व्यय प्रेक्षक ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की बेमानी संपत्ति मोबाइल ऐप से लेन देन की जांच करवा सकते हैं। इसके लिए डिजिटल लेन देन की जांच भी हो सकती है। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में विधानसभा चुनाव में खर्चों पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए विशेष व्यय प्रेक्षक ने प्रत्याशियों को बेमानी संपत्ति की जांच की जरूरत बताई है। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से आयकर विभाग का सहयोग लेने का सुझाव दिया है। 10 लाख नौकरी देने के वादे पर कहां से पैसे देंगे, इस बात पर मुख्यमंत्री ने मांगा जवाब। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव द्वारा 10 लाख नौकरी मुहैया करवाने की बात कही गई थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक तरफ राजद बार बार अपने इस वादे को पूरा करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टियां इसे बस एक छलावा करार कर चुकी हैं। वहीं इसी बीच इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कुछ लोग 10 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि इसके लिए पैसे कहां से लाएंगे। जिसके लिए सलाखों के पीछे बंद है, उन्हीं पैसों से अब नौकरी देंगे क्या।
शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति से रिटायरमेंट लेने पर कही अहम बात। अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं उनके बेटे के बांकीपुर से मैदान में उतरने के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति को अलविदा कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी वो राजनीति से कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो राजनीति को अलविदा नहीं कह रहे हैं। वहीं उन्होंने लव सिन्हा के मैदान में उतरने की बात पर कहा है कि क्षेत्र के लोग विकास चाहते हैं, इसलिए युवा चेहरे की जरूरत है। चिराग के खिलाफ भाजपा नेताओं के बयान को पप्पू यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, वहीं चुनाव को लेकर तैयारियां भी जारी है। इसी बीच जोड़ तोड़ की राजनीति भी देखने को मिली। लोजपा के एनडीए से अलग होते ही बयानबाजी लगातार जारी है, जिसको लेकर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि चिराग के खिलाफ भाजपा नेताओं का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा कि अभी की स्थिति बहुत विचित्र है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में भाजपा ने चिराग का साथ छोड़ दिया है, यह बहुत खुद है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के थकने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारियां शुरू है, वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हुआ घोषित कर दिया है। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मंशा नहीं है कि वो बिहार में उद्योग लगाएं। उद्योग नहीं लगने से बिहार में पलायन बढ़ेगा, जिसके चलते गरीबी बढ़ेगी। बिहार में एक भी आईटी सेक्टर नहीं है। जब लोग चांद पर जा सकते हैं तो बिहार में उद्योग भी लग सकता है। जब लालू जी रेल मंत्री थे तब छपरा परसा में रेल कारखाना लगा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने की राबड़ी देवी से मुलाकात। लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने बीते दिन राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, जिसके बाद गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हालांकि कुछ दिनों पहले जरूरत पड़ने पर लोजपा से हाथ मिलाने की बात कही थी, जिसके बाद लोजपा के साथ गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं अब प्रिंस राज के तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद चर्चाएं फिर शुरू हो गई है। हालांकि प्रिंस राज ने कहा है कि इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से जोड़कर ना देखा जाए। योगी आदित्यनाथ ने पैसा डकारने वालों से सावधान रहने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन बिहार की धरती पर जनसभा का संबोधन किया था, जहां उन्होंने एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील तो की ही, विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विकास का पैसा डकारने वाले लोगों से बिहार की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग बिहार के विकास का पैसा परिवार के उत्थान पर खर्च करते हैं, ऐसे नेताओं से सावधान रहे। ऐसी सरकार बिहार की जनता को स्वीकार नहीं होनी चाहिए। एनडीए की सरकार ने ही बिहार में बदलाव लाने का काम किया है। आप अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों को भी नीतीश कुमार के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया साफ, इलाज के बिना ढिलाई ना करे कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन देश का संबोधन किया, जिसमें उन्होंने सभी नागरिकों से ढिलाई नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं या बिना मास्क के घूम रहे हैं तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार को परेशानी में डाल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अभी तक हम भारतीयों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ हम आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करने में लगे हुए हैं। हम में से अधिकांश लोग जीवन को गति देने के लिए रोज घर से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के मौसम में बाजार में रौनक भी लौट रही है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हमारे बीच कोरोना मौजूद है। इरफान पठान ने सीएसके को लेकर कही अहम बात। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान ने हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर अपना अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत इरफान पठान ने कहा कि आईपीएल के मौजूदा सीजन में अब भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। पहले 10 मैच में सीएसके की टीम 7 मैच में हार झेल चुकी है और उसे 4 मैच और खेलना है। सोमवार को सीएसके को राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट से मात दी थी और अब उसे 4 मैच और खेलना है। इरफान पठान ने कहा कि धोनी के पास ऐसी टीम है जो अभी भी इस टूर्नामेंट में वापसी कर सकती है। सीएसके ही वो टीम है जो टूर्नामेंट में वापसी कर सकती है। फेसबुक ने मशीन लर्निंग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को किया लॉन्च। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपने यूजर की सुविधा के लिए नया मशीन लर्निंग ट्रांसलेटर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फैसला किया है। इस सॉफ्टवेयर की खासियत यही है कि यह 100 भाषाओं का अनुवाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। वहीं कंपनी का यह भी मानना है कि इस सॉफ्टवेयर से यूजर को बहुत फायदा होगा। फेसबुक की रिसर्च असिस्टेंट एंजेला फैन ने कहा है कि यह सॉफ्टवेयर फेसबुक की आधिकारिक इंटेलिजेंस टीम के सालों की मेहनत का फल है।
अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा के शो में जाने के लिए उनसे रिश्वत लेने की कही बात। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म लक्ष्मी के प्रमोशन में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी और एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की फोटो शेयर किया था। यह फोटो कपिल शर्मा के सेट की थी। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि तीन हमेशा एक भीड़ नहीं होती, टीम लक्ष्मी द कपिल शर्मा के शो के सेट पर असली लक्ष्मी के साथ। उनके इस पोस्ट पर कपिल शर्मा ने रिएक्शन देते हुए कहा था कि इतने लंबे समय बाद एक बार फिर से आपके साथ शूट करके मजा आया। उसी को रीट्वीट करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा कि मुझे लगता है कि या तो मेरी फिल्म का प्रचार अब आपके शो के बिना अधूरा है या फिर आपने मेरी फिल्म की मार्केटिंग टीम को रिश्वत दे दी है, लेकिन एक मजेदार दिन के लिए शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,930 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,930 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,000 रुपए था। वहीं अगर राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.77 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। प्रधानमंत्री की रैली में केवल 6,000 लोगों के बैठने की होगी अनुमति। आगामी विधानसभा चुनाव के तहत प्रधानमंत्री मोदी बिहार पधारने वाले हैं, जिसके तहत 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वेटनरी कॉलेज मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों की चर्चा गर्म है। वहीं प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की रैली में सिर्फ 6,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह निश्चय किया है कि इस रैली की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होगी। इसके लिए लगभग 2,00,000 लोगों तक वर्चुअल माध्यम से पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मंटू कुमार, दिलीप कुमार, अरविंद कुमार, आशीष कुमार चौहान, रविंद्र पासवान, शिवम राज, वाल्मीकि कुमार, विपिन बीसीए, दिविशा कुमारी, नीतीश कुमार, विशाल भान सिंह, धर्मवीर कुमार, ललित मिश्रा, असलम राज, शंकर मुखिया। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक सफल मुखिया साबित हो पाए हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।